नमस्ते दोस्तों, मैं प्राध्यापक बैरम देवेंद्र। आज हम लोग भारतीय साहित्य में सुप्रसिद्ध हिंदी की समकालीन कवयित्री कात्यायनी जी की कविता सात भाइयों के बीच चंपा, इसका पाठ करने वाले हैं। हम सभी लोग जानते हैं कात्यायनी हिंदी साहित्य की समकालीन कवयित्री हैं। विशेष रूप से स्त्री विमर्श में पुरुष सत्ता पद्धति के विरुद्ध लिखने वाली यह कवयित्री, जो अपनी कहने की जबानी बेबाक रखती है। कात्यायनी जी की सभी कविताओं में हमें एक अलग विचार, अलग पद्धति और अलग प्रकार का शिल्प दिखाई देता है। कवयित्री कात्यायनी विशेष रूप से एक पत्रकारिता के क्षेत्र से होने के कारण वे अपनी कविताओं में अपनी बातें रखते समय स्पष्टोक्ति और यथार्थ को कल्पना और भावात्मकता का रूप देकर समाज और स्त्री के हित में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। कात्यायनी जी के काव्य संग्रह में चेहरों पर आज, सात भाइयों के बीच चंपा, इस पौरुषपूर्ण समय में जादू नहीं कविता, फुटपाथ पर कुर्सी, अंधेरी की बारिश, विशेष रूप से निबंध संकलनों में दुर्ग द्वार पर दस्तक, प्रेम परंपरा और विद्रोह आदि प्रसिद्ध है। सात भाइयों के बीच चंपा यह है लोक कथा है और इस लोक कथा का आधार लेकर स्त्री विमर्श को प्रस्तुत करने का प्रयास हमारी कात्यायनी जी ने किया है। विशेष रूप से वे कहती है कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। सात भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई, सात भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई, पास की टहनी सी लचक, पास की टहनी सी लचक वाली, बाप की छाती पर सांप से लौटती, बाप की छाती पर सांप से लौटती, सपनों में काली छाया सी डोलती, सपनों में काली छाया सी डोलती, सात भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई। ओखल में धान के साथ, ओखल में धान के साथ कूट दी गई, भूसी के साथ कूड़े पर फेंक दी गई, भूसी के साथ कूड़े पर फेंक दी गई, वहां अमर बेल बनकर उगी, वहां अमर बेल बनकर उगी, झरबेरी के साथ कटीले झाड़ों के बीच, झरबेरी के साथ कटीले झाड़ों के बीच चंपा अमर बेल बन सयानी हुई, फिर से घर आधम की, फिर से घर आधम। सात भाइयों के बीच सयानी चंपा एक दिन घर की छत से लटकती पाई गई, सात भाइयों के बीच सयानी चंपा एक दिन घर की छत से लटकती पाई गई, तालाब में जलकुंभी के जालों के बीच, तालाब में जलकुंभी के जालों के बीच दबा दी गई, वहां एक नील कमल उगाया, वहां एक नील कमल उगाया, जलकुंभी के जालों से ऊपर उठकर चंपा फिर घर आ गई, जलकुंभी के जालों से ऊपर उठकर चंपा फिर घर आ गई, देवता पर चढ़ाई गई, देवता पर चढ़ाई गई, मुरझाने पर मसल कर फेंक दी गई, मुरझाने पर मसल कर फेंक दी गई, जलाई गई, उसकी राख बिखेर दी गई पूरे गांव में, चंपा फिर घर आ गई, देवता पर चढ़ाई गई, मुरझाने पर मसल कर फेंक दी गई, जलाई गई, उसकी राख बिखेर दी गई पूरे गांव में, रात को बारिश हुई झमड़कर, रात को बारिश हुई झमड़कर, अगले ही दिन हर दरवाजे के बाहर नागफनी के बीहड़ घेरों के बीच, अगले ही दिन हर दरवाजे के घर के बाहर नागफनी के बीहड़ घेरों के बीच निर्भय निसंक चंपा मुस्कुराती पाई गई, निर्भय निसंक चंपा मुस्कुराती पाई गई, सात भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई, सात भाइयों के बीच सयानी चंपा निर्भय निसंग चंपा मुस्कुराती पाई गई। की इच्छा न रखने वाले माँ बाप हमारे देश में हैं, इस मिट्टी में हैं। लड़कियों को मार दिया जाता है, ऐसे समय लड़कियां फिर भी अपनी जिजीविषा, अपनी इच्छा शक्ति के जोर पर इस समाज से लड़ती है। चंपा उसका प्रतीक है। चंपा को ओखल में धान के साथ कूट दिया जाता है और भूसी के साथ कूड़े पर फेंक दिया जाता है।
वहां वे अमर बेल बनकर उगाती है। चंपा को झरबरी के साथ कटीले झाड़ों के बीच अमर बेल बनकर उगना पड़ता है। यही हमारे देश की नीति है, यही हमारे समाज की बात है कि हर स्त्री को, हर नारी को इस संघर्ष से जूझना पड़ता है। फिर से कात्यायनी की ये कविता 20वीं शताब्दी के अंत में लिखी गई कविता है। विशेष रूप से इस कविता में एक स्त्री के दर्द को उसके कई रूपों में दिखाया गया है। वह अपने पिता और भाई की पितृसत्ता वाली अनेक रूढ़ी परंपराओं और नियमों के बोझ के तले दबी हुई है। उस घर में उसका कोई अपना वजूद नहीं, वह अपना वजूद ढूंढने की कोशिश करती है। स्त्री को अपना वजूद बनाने के लिए, अपनी खुशी पाने के लिए स्वयं मेहनत करनी पड़ती है। इसी पर आधारित यह कविता है। एक लोक कथा का आधार लेकर सात भाइयों के बीच चंपा की भावात्मकता अत्यंत सटीक पद्धति से कात्यायनी ने हमारे सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। बाप यानी पिता की छाती पर वह सांप से लौटती थी, अर्थात पिता को यह चिंता खाई जा रही थी कि किस प्रकार उसका विवाह किया जाए। उसके पिता के सपनों में काली छाया से वो डोलती और हिलती रहती थी। किसी भी पिता को अपनी बेटी की शादी की चिंता होती है और बेटी जब जवान होती है तो उसकी शादी के लिए चिंतित होते हैं पिता। सात भाइयों के बीच चंपा सहनी हुई, लेकिन ओखल में धान के समान कूट दी गई, भूसी के रागान कूड़े पर फेंक दी गई। अर्थात एक लड़की को पुरुष समाज के भीतर पितृसत्तात्मक समाज में अपनी बातों से, सामाजिक रूढ़ी और परंपराओं के माध्यम से इतना कूटा और दबाया जाता है जिससे लड़की का वजूद खतरे में पड़ जाता है। लड़की डोलती रहती है। उस समय किसी को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती कि लड़की को उससे कितनी तकलीफ होती है। चंपा जैसी लड़कियों की तकलीफों और दुखों को दरकिनार कर फेंक दिया जाता है। चंपा जैसी हजारों लाखों लड़कियों के सपनों को दरकिनार करके फेंक दिया जाता है, जिस प्रकार एक घर के कूड़े को फेंक दिया जाता है क्योंकि भूसी का कोई काम नहीं होता है, वह एक कचरे के समान होती है। उसी प्रकार लड़की या स्त्री का भी काम हो जाने के बाद भूसी के समान ही उसकी कोई इज्जत नहीं रहती और उसे घर से बाहर फेंक दिया जाता है। परंतु स्त्री इतनी कमजोर नहीं है, वह हिम्मत करके दोबारा उसी कचरे के ढेर में अमर बेल बनकर उगती है। वह जागृत होकर नए रूप में अमर बेल की तरह स्वयं आत्मनिर्भर होकर उगती है। आज की आधुनिक नारी अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों से अवगत हो रही है और उसे अपनी अस्मिता और पहचान बनाने के लिए स्वयं प्रयत्नशील है। प्रस्तुत कविता में कात्यायनी स्त्री विमर्श के महत्वपूर्ण पक्ष को प्रस्तुत करती है। जिस घर में सात भाइयों के साथ एक बहन होती है, वहां बहन से प्रेम अधिक होना चाहिए, किंतु ऐसे घरों में पितृसत्ता का प्रभाव इतने चरम सीमा पर होता है कि उस बेटी, बहन या अकेली लड़की को परंपराओं और सामाजिक मान्यताओं के बीच दबा दिया जाता है। प्रस्तुत हुआ है। इस कविता के शिल्प पक्ष की बात करें तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ पर अमर वेल का उदाहरण दिया गया है, यहाँ नीलकमल का उदाहरण दिया गया है, यहाँ नागफणी के बीहड़ बेलों का उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर अलग अलग उन वनस्पतियों का उदाहरण दिया गया है जो परावलंबी है, जो संकटों में भी जीती है। अमर वेल परावलंबी है, जिसे हम लोग कहते हैं ना, किसी दूसरे पेड़ पर वो बेल जीती है और वो उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जीने की लालसा उस अमर वेल में है। चंपा का फूल जो है, उसकी टहनी जो है, कहीं भी लगा दो वो उग आती है। इसीलिए यहाँ पर चंपा का प्रतीक एक स्त्री के लिए दिया गया है। हम नागफणी के बीहड़ जंगल की बात करते हैं, नागफणी कम बारिश में होने वाले ऐसे काटेरी, जिसे कहते हैं कि कांटे होते हैं उसमें, जिसे आप लोग नई पद्धति में कैक्टस की भी बात करते हो, तो ऐसे ही काटेरी वनस्पतियों की, कांटों की वनस्पतियों का उदाहरण यहाँ पर कवियत्री देती है, क्योंकि ये सारी वनस्पतियां एक ऐसी विरुद्ध परिस्थितियों में जीती है, विषम परिस्थितियों में जीती है कि वह संघर्ष करके आती है। ऐसी ही कात्यायनी जी की अनेक कविताएं हैं जिसमें चंपा जैसी स्त्रियों का संघर्ष, लड़कियों का संघर्ष का वर्णन कवियत्री करती है। इसलिए कात्यायनी जी की यह कविता एक स्त्री विमर्श का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इसी प्रकार कात्यायनी जी की हॉकी खेलती लड़कियां, यह भी कविता बड़ी ही सुंदर पद्धति से स्त्री विमर्श को प्रस्तुत करती है। इसका भी वीडियो हमने बना के रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं हमारे भारतीय साहित्य चैनल पर। धन्यवाद।